नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं, सभी को करवा चौथ की ढेरों 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 शुभकामनाएं। बुधवार के दिन मनाया जाने वाला करवा चौथ का शुद्ध और पवित्र त्यौहार। मंगलवार की रात 9:30 बजे से करवा चौथ की हो जाती है शुरुआत, लेकिन बुधवार के दिन ये मनाया जाएगा। उद्यातिथि जो है वो बुधवार की है, 1 नवम्बर की। जो शिव परिवार की पूजा होगी वो 5:54 की होनी है। चंद्रोदय का जो कॉमन समय है 9:10 का रहेगा। फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय चंद्र दर्शन होते रहते हैं, उस समय आप अपने तरीके से चंद्र दर्शन करें और पूजा करें। आज के दिन सुबह से उठ करके नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहने, गहने पहने, पूरा दिन खुश रहने की कोशिश करें, निर्जला उपवास करें। पति की पूजा कर लेने के बाद, चंद्रदेव की पूजा कर लेने के बाद ही आप पति के हाथ से पानी पी करके इस उपवास का पालन कर सकते हैं। जिनके पति देव मौजूद ना हो, कहीं बाहर गए हैं किसी भी कारणवश, वे महिलाएं अपने ननंद के हाथ से या कोई भी छोटी बच्ची के हाथ से या सास के हाथ से पानी पी करके व्रत का पालन कर सकते हैं। आज के दिन पूजा में जो ट्रेडिशनल ढंग से प्रसाद चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है वो प्रसाद जरूर रखें। जैसे कई जगह पर कढ़ी, चावल, पूरी ये रखा जाता है, कई जगह पर मिठाई रखी जाती है, कई जगह पर आप देखो तो मीठे चावल बना करके चंद्रदेव को अर्पित किए जाते हैं, घी का दिया, अगरबत्ती, तरह तरह के पुष्प भगवान को अर्पित किए जाते हैं, कुमकुम, हल्दी, ये तमाम चीज़ें आज के दिन चंद्रदेव को अर्पित करके और अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए कामना की जाती है, पति के मान सम्मान के बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। जो भी महिलाएं हैं आज के दिन शुद्ध और पवित्र भाव से उपवास करें, चंद्रदेव की पूजा करें और उसके बाद में प्रार्थना करके और फिर आप खोल सकते हैं। जब आप पूजा करने जाते हैं चंद्रदेव की, उस समय जो मैं चीज़ें बता रही हूँ बड़े ध्यान से सुने, 2 चीज़ें थाली में जरूर, एक तो लाल और हरे कलर की चूड़ियाँ, दूसरे हल्दी की गांठें। देखो जो चूड़ियाँ हैं ये आपके सुहाग से जुड़ी हुई हैं। आज के दिन आप देखो माता पार्वती को भी जो लोग चूड़ियाँ अर्पित करते हैं, हरे कलर की चूड़ियाँ माता पार्वती को, मैं पिछले साल वीडियो में आपको बताया था, शायद वो वीडियो यूट्यूब अगर पॉपअप करेगा तो आप देखना, उसमें हरी चूड़ियाँ माता पार्वती को शिवालय में जाकर के आज के दिन अर्पित करने का बड़ा महत्व है। आज के दिन माता पार्वती को चूड़ियाँ अर्पित करने से हमेशा आप सुहागिन बनी रहती हैं, आपके सुहाग के ऊपर कोई गलत छाया नहीं आती। माता रानी को चूड़ियाँ अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद के रूप में उसमें से 2 चूड़ियाँ लेकर के आप उसे पहने। इसी तरीके से आज के दिन पूजा की जो थाली आप लेकर के जाते हैं उसमें भी हरी या लाल कलर की आप चूड़ियाँ रखें और हल्दी की 5 गांठें रखें। जो भी आप दूसरा सामान रखते हैं उसके साथ में ही आपको ये दोनों चीज़ें भी रखनी है। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद आप इसको चंद्रदेव का, शिव पार्वती का आशीर्वाद समझ करके इन चूड़ियों को आप पहने। आप देखेंगे इस तरीके से अगर आप चूड़ियाँ पहनते हैं आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, पति पत्नी के बीच में तीसरा पर्सन नहीं आएगा, कभी मनमुटाव नहीं होगा। हाँ छोटा मोटा तो चलता रहता है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कई जगहों पर पति पत्नी के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने देखा होगा कि पति ने पत्नी के 35 टुकड़े कर दिए, इसने इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, ऐसे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। छोटी मोटी नोकझोंक तो फिर हर घर में होती रहती है और उसको आप मन मुटाव ना समझे, वो मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। मतभेद होना अच्छी बात है, हर जगह होता है, हर इंसान का एक अपना मत होता है, लेकिन मनभेद जहाँ हो गया वहाँ विनाश होता है। तो आज के दिन चूड़ियाँ पहनने से, और ये चूड़ियाँ कोशिश करें अपने पति देव के हाथों से पहने। दूसरा, जो हल्दी की गांठें हैं ये आपके घर की सुख और समृद्धि से जुड़ी हुई है, आपके पति के प्रोग्रेस से जुड़ी हुई है। इन हल्दी की 5 गांठों को आप उठा लें, लाल या पीले कपड़े में बांध करके इसको धन स्थान में रखें। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पति देव के नौकरी धंधे में टेंशन आ रहा है, कहीं कुछ मुसीबत में फंस रहे हैं,
अपने दोस्तों आपको लिख करके देती हूँ। ये 5 गांठें उठाएं, उनके ऊपर से 7 बार उवारें, इस पर दूध और जल गंगा जल छिड़कें और फिर से उसके स्थान में रखें। आपके पति की दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेस होगी। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे कुछ जैसे कुछ।